गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। मैं हूं मीनू और मीनू का ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो कैसे आप सभी, होप करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूं, बस हल्का सा हो रखा है मेरे दर्द। और अभी सुबह के बजे हैं 6:15, तो 6:10 हो रखी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठ गई थी, 5:29 में उठी थी, 5:30 बजे बस उठ के अभी थोड़ा सा एक चाय वगैरह पी ली है और अभी जा रही नहाने। और दिव्यांश तो देखो नहा के भी आ गया। मैं भी मामा के टाइम पे उठाऊंगा आज, है ना? हाँ, नहीं मेरे से थोड़ी देर बाद में उठ गई। दिव्यांश नहा लिया, मैं रह गई हूँ। अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और कल देखो दिव्यांश ने ना मेरी चोट लगा दी, हाँ मैं बहुत स्वेलिंग हो गई, इसने मेरी पेंसिल चुभो दी। तो ये देखो कैसा सूज गया है ऊपर को, ये देखो ये स्वेलिंग आ गई है, सारा का सारा हो रखा है। और रात में ये मेरे लात मारता है और उसकी वजह से मेरे हो रखा है यहाँ पे दर्द सारी कमर में आज। तो इसने इतना परेशान किया है सोते टाइम में, कभी कभी क्या है कि लात वात मार देता है तो उसकी वजह से ना मेरे सारा शरीर में दर्द हो जाता है। तो ये सब दुख रहा है, सारे में दर्द हो रहा है। मैंने पानी अपना भर दिया है और मम्मी कर रही हमारे लंच की तैयारी, नाश्ते की तैयारी। तो आज लंच में मम्मी ने बनाया है छोले, मतलब छोले वाली चाट बनाई है नाश्ते के लिए। और लंच ले जाने के लिए अभी बना रही है, आधा लग चुका है, आधा काम यहाँ पे हो गया है। तो वो अभी नहाने जाएंगी, सबसे पहले तो मैं नहा लूँ क्योंकि फिर स्कूल के लिए मैं तैयार होती रहूँगी। वो ये कि अपना नहा लेंगे, नहा के आने के बाद मैं फिर अपना आटा वगैरह खाना बना देंगी। फिर आटा तो मैंने लगा दिया। पापा गए हैं अभी मंदिर, शिव मंदिर, वहाँ पर पूजा करने के लिए। और मामा जी आ चुके हैं दिव्यांश की रक्षाबंधन पर ही। तो आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है। कल का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था ट्यूसडे का, मैंने रक्षाबंधन पे बनाया था। उसके दूसरे दिन तो थक गई थी, फिर बिल्कुल भी मन नहीं किया था वीडियो बनाने का। तो ये इसलिए आज वेडनेसडे है, मॉर्निंग से ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, सुबह के 6:30 बजे से। तो अब जा रही हूँ मैं फटाफट नहाने। और आज भैया भी चले जाएंगे राजस्थान क्योंकि देखो ड्यूटी भी है, फिर वो 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, तो 3-4 दिन उनके आज हो गए कंप्लीट, कल फिर उनको जाना है ड्यूटी, तो इसलिए चले जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, नहा के आने के बाद मैं फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। और हाँ, मेरे फेसबुक पे 5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी के सपोर्ट से और इतना प्यार बनाने के लिए, देने के लिए। थैंक यू सो मच। 500K होना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो ये मान लीजिए 500,000 तो मेरे हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से ना मेरे 1,000,000 भी कंप्लीट करा दो, फिर हम लोग करेंगे ग्रांड पार्टी। तो सबको पार्टी में इन्वाइट करूंगी, आप सबको भी, तो बहुत बड़ी सी पार्टी करेंगे, फटाफट से 1,000,000 हो जाए। क्या देंगे वो भी? गिफ्ट नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी से सपोर्ट कीजिएगा और 1,000,000 फटाफट करवा दीजिए, ऐसे ना आंख बंद कर 1,000,000। तो जल्दी जल्दी से आप लोग फॉलो कीजिए, फॉलो नहीं करते ना फॉलो करो। और तो मैं आ गई हूँ नहा के और किचन में कर लेती हूँ फटाफट से अपना नाश्ता, क्योंकि टाइम हो गया है और 7:00 बज गए हैं। तो जल्दी से खा लूँ और फिर उसके बाद में आ जाएगी हमारी बहन। तो ये देखो चाय तैयार है, लंच बॉक्स दिव्यांश ने रख दिया। और सबसे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, चॉकलेट हॉलिक्स, इसको मिला लो, थोड़ी सी चाय करवा लो। दूध तो तुमने यूँ मिक्स नहीं किया, ऐसे ही पी गए, तो चम्मच से ले लो, फिर इससे चम्मच से खा लो, लो पकड़ो। तो भैया कर रहे हैं अपना नाश्ता, पापा नहा के पूजा करके भी आ गए, वो भी करें नाश्ता और मम्मी भी पी रही चाय। तो मैं दिखाती हूँ तो देखो हमारे गांव में भी टंकी लग चुकी है, अभी लगी है। तो ये देखो यहाँ से निकल के जा रही है फाइनली, और यहाँ से ये सब खुदा हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। तो ये लगी है यहाँ से टंकी, सभी की लग गई, देखो चाचा की भी लग गई, उधर भी लग गई और इधर की साइड भी लग गई। तो अभी ना इसको सही करना बाकी है, उन्होंने तो अपना सब सही कर लिया, हमारा रह गया। तो पापा इसको भी सही कर देंगे, पर यह कि अपने गाँव में टंकी आ गई। फटाफट से खा लो, वैन कभी भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट, कर लिया हम लोगों ने खाना, हमारी आ चुकी है गाड़ी, अब हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में पहुंच के। पैर लगा दिए इसने कपड़ों पे, तो क्या होगा, दिख रहा है सारे गंदे हो जाएंगे।
रात में इतनी तेज बारिश हुई थी और कल शाम भी पूरा टाइम बारिश हुई थी, तो देखो कैसा हो रहा है। अभी भी बादल हो रखे हैं। कैसी बारिश हुई थी रात में? तेज हुई थी बारिश खूब। दिव्यांश की कटिंग करा दी है तो उसका फेस कैसा लग रहा है, छोटा छोटा सा, वो काफी बाल हो गए थे। ये रोटी लो, रोटी लो। हो गई भैया, दो दिन की रोटी हो गई थी, कल शाम की भी हो गई थी इनकी, और देखो बाल मेरे फिर से खुल गए। चलो नाश्ता पानी सारा कुछ हो ही गया, फटाफट से गाड़ी भी आ गई, हम लोग निकलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ स्कूल में, पानी भर गया बारिश की वजह से, अभी तो कोई भी नहीं आया, एक दो बच्चे आए हुए हैं बस। गाड़ी आ जाती है जब तक कोई बच्चे भी नहीं आके देते हैं, दो चार बच्चे आए हुए हैं और सबसे पहला राउंड ना हमारा ही लग जाता है, गाड़ी का सबसे पहले आ जाता है, लेकिन ये है कि फिर भैया ने कर दिया कि जब हमें छुट्टी होती है तो हम सबसे पहले चले भी जाते हैं, तो हमारी छुट्टी सबसे पहले हो जाती है। अभी कोई भी नहीं आया, अब एक एक करके सभी गाड़ी आ जाएंगी, तो खाना पीना तो अपना हो ही गया था, सारी चीज़ें करके आ गए। कल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आज मेरी दर्द हो रहा है, सुबह मैंने बताया ही था, बाल भी देखो मेरे कैसे हो रखे हैं, भूत सी लग रही हूँ, क्या करूँ, ऐसे उठे और चले आते हैं, और हाथ में इतना पेन हो रहा है मेरे, ये सारा सूज गया है, देखो इसमें छेद हो गया, यहाँ मेरा दिख रहा है, देखो ये रो रहा है बीच में छेद, पूरी पेंसिल घुसा दी इस नालायक ने मेरे। चलो मिलते हैं आप लोगों को छुट्टी होने के बाद, क्योंकि फ़ोन हमारा यहाँ अलाउड नहीं है, फ़ोन हमारा जमा हो जाता है प्रेयर होने के बाद ही, सब लोगों के स्टाफ का पूरे के पूरे स्टाफ का ना फ़ोन जमा हो जाता है ऑफिस में जाके, और फिर मिलता हम लोगों को जब लास्ट 7 पीरियड लगता है, उस टाइम फिर सब लोगों के फ़ोन जो वापस कर दिए जाते हैं, तो तभी फ़ोन मिलेगा, तभी आप लोगों को वीडियो आगे का मिलेगा। तो अभी बजे हैं 7:30 और अब मिलेंगे आप लोगों से 12:15 के बाद, तो चलिए। स्कूल की छुट्टी तो हो गई, बच्चों को लग रही है गर्मी, सब बच्चे बैठ गए। ये किसने लगाया तेरे यहाँ पे नेल्स? मारती है तुझे अच्छे से, पसीने आ रहे हैं आज, वैसे भी पूरे दिन नहीं आई है लाइट स्कूल में भी, और हम वैन में बैठे हुए हैं और ड्राइवर भी हमारे नहीं है, गायब हो गए पता नहीं। सब बैठे हैं गर्मी में, इससे बढ़िया तो स्कूल में ही बैठे रहते तो ही सही रहता, पसीने का डर वाला है। बाय करो बच्चों, बाय 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 करो। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, ला बोतल दे जा मुझे पानी के, बैठे बैठे रह जाएंगे इसमें ही। मैं तो जा रहा हूँ स्कूल में सीधा सीधा। हाय हेलो दर्शन, लो पैसे। एक बारिश भी आ गई, गोला कटिंग। तो ये कितनी सारी लौकी है इसमें, लौकी लौकी। ये हमारे, अरे बच गए, गिर जाते हमारे गांव के बाहर की रास्ता खुदने की वजह से, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर तक पैदल, सड़क बन रही है ना इसलिए। देखो हमारी गली कैसी हो रही है, बहुत ही बेकार, सारी की सारी बन रही है ना, टंकियाँ फूट रही हैं आगे, इस वजह से बन रही है बेकार।
गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे टंकी खुद रही थी इसलिए ना गाड़ी वालों ने वहीं पे उतार दिया था। कि फिर हमने भी कह दिया कि बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, इतने गहरे गहरे, तो मैं भैया तुम ना यहीं से चले जाओ, हम चले जाएंगे पैदल पैदल, घर आ गए हैं। दिव्यांश पहले अपने कपड़े चेंज, मैं भी फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर दूँ, उसके बाद मुँह हाथ धो लूँ, उसके बाद फिर बात करती है आप लोगों से। और देखो मम्मी कर रही हैं बात, लेटी हुई हैं। दिव्यांश ने ली है नमकीन और दूध, ये देख रहा है कार्टून, इसके अलावा कार्टून के अलावा कुछ नहीं है देखने में। तो मैंने इसको दूध दे दिया, नमकीन मांग रहा था तो वो दे दिया, इसका चल रहा है यहाँ पे पंखा, मस्त बैठ के देख रहा है टीवी। इसे खा लूँ मैं भी नमकीन, खा ले नमकीन। गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, और दोपहर के बज गए अभी 3, रेस्ट कर लिया, सारे काम कर लिए, अब धोने जा रही हूँ मैं कपड़े, क्योंकि कपड़े हो गए मेरे बहुत ज़्यादा इकट्ठे, 4-5 दिन के कपड़े हो गए इकट्ठे। दिव्यांश कर रहा है अपना रिवीजन, वो अपना लर्न कर रहा है। 3 बज गए हैं तो हो गया है हमारा चाय का टाइम, तो मम्मी आप लोग देख सकते हैं मम्मी बनाने जा रही है चाय, और मैं कपड़े धो दिए, लाइट ने दे दिया हमारा साथ, तो ये सारे कपड़े धो दिए और मम्मी ने यहाँ पर ही सुखा दिए, ऊपर मैं नहीं गई क्योंकि ऊपर जाओ सुखा के आओ फिर वापस आओ, इसलिए कर मैंने बोल दिया मम्मी यहीं पे सुखा दो, ये रात पर लाइट चली गई, अपना आराम से यहीं पे सूख जाएंगे। कूलर चला दिया, अब ले रही हूँ थोड़ी सी हवा, दिव्यांश ले रहा है हवा, और अभी ना एक राउंड के उसमें कपड़े रह गए तो वो निकाल के ला रही हूँ तब, और देखो साफ भी कर दिया, झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, बाहर टंकी की वजह से ना ऐसा पूरा घर जो है वो किसकिसा हो गया, मिट्टी नाम नहीं ले रही है। और हमारे घर नया पंखा भी आ गया है बजाज का, तो दोबारा लेकर आए थे पापा पंखा ऊपर लग गया है, पापा बैठे हुए बाहर ही, और मैं जा रही हूँ अभी सब्जी बना दे थोड़ी सी, देखने क्या बनता है क्या नहीं, चाय वगैरह मैंने पी ली, कपड़े धोते। तो मम्मी बना रही हैं अरबी काटने, और फिर मैं जा रही हूँ आटा लगाने। फ्रेंड्स आटा भी लग गया और अरबी की सब्जी भी मैंने बनाने के लिए रख दी है, तो थोड़ी देर में बन जाएगा हमारा खाना, मतलब कि अभी सब्जी बनेगी उसके बाद खाना बनेगा। और एक राम के जो कपड़े रह गए थे वो भी मम्मी ने यहाँ पे सुखा दिए, तो अब 1 घंटा करेंगे हम लोग रेस्ट और उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करेंगे खाना। गया था अभी नमक लेने, तो वहाँ पे जाके देखा, उसने बोला कि बरूले बिक रहे हैं, मैंने कि फटाफट से लिया जाके, अब पता नहीं क्यों गली में वो आते नहीं है, तो अभी निकाल देती हूँ इसमें से, खाते हैं गर्मा गर्म बरूले। मैंने डाली है इसमें हरी चटनी, गर्मा गर्म पकौड़ी, मैं 7 बज गए और आधा घंटा और लेट होगी, मैंने बोला था
कि एक घंटे बाद में बनाना स्टार्ट कर दूंगी मैं अपना खाना। कहाँ गया तवा? तवा चला गया नीचे। तो फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, खाने की तैयारी होगी, पूरी हो ही चुकी थी वो तो मैंने पहले कर दी थी, सब्जी वगैरह खाली करके रख दी है, बस फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं बनाऊँगी पानी वाली बना देती हूँ, क्योंकि ना फिर पापा नहीं खाते, जो फुल्की होती है परोठन वाली वो कम खाते हैं थोड़ा सा, उसे कट नहीं खाती है इसलिए। तो दो जगह इसमें आटा रखा हुआ है, थोड़ा सा सुबह वाला रखा था और अभी का। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अभी वाले आटे में से, क्योंकि भूख लगेगा, उसके बाद में फिर बाकी का फिर बाद में बनाती हूँ। चलिए कर लेते हैं अपना खाना बनाना स्टार्ट। खाना बन भी गया और अपने लिए पर्स के भी ले आई। दिव्यांश तो खाना स्टार्ट भी कर दिया है, तो देखो अरबी की सब्जी और हाथ वाली बनाई है रोटी, मम्मी ने तो खा भी हो गई। हाँ अभी पापा गए हैं बाहर दवा देने के लिए, तो चलो हम तो खा लेते हैं, भूख लग रही क्योंकि टाइम भी हो गया, 7:30 बज गए हैं, अभी टाइम पूरा हम ना जल्दी खा लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो डॉगी के पिल्ले आए थे खाना खाने, सबसे पहले उसको खाना खिला दिया उसने, तो चलिए मैं खा लेती हूँ फटाफट से खाना, फिर मिलते हैं। घड़ी में बज चुके हैं 8:15 और यहाँ पे मैं हो गई हूँ फ्री, काम करके खाना खा लिया, बर्तन थे थोड़े से बर्तन साफ कर दिए, पानी भर के रख दिया, दिव्यांश का पानी मैंने भर के रख दिया, क्योंकि उसको सुबह जब उठता है ना नहाने के लिए पानी जब दो तो उसको लगती है ठंड, तो उसके लिए रात में भर के रखना पड़ता है, तो मैं बड़ी वाली एक बाल्टी पानी भर के उसका रख देती हूँ, जिससे कि सुबह उठते ही वो अपना नहा लेता है। और देखो इधर भी रस्सी बांध के, तो इधर भी कपड़े सूख रहे हैं। सुबह को मुझे टाइम नहीं मिल पाता, देखो मैं 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठ के मैं अपना नहा धो के तैयार हो पाती हूँ, अपना नाश्ता वास्ता कर पाती हूँ, इतना टाइम मुझे लग जाता है। दिव्यांश ने देखो पट्टी बांध दी, कहाँ से मिल गई तुझे? टावर देने गए थे हम, तब मैंने ये वाली खरीदी थी, वहाँ पे हम बांध के गए थे और बांध के वापस आए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ जाके ना आज सुबह से लेकर, तो वैसे मैंने आपको ना 6 बजे से अपना वीडियो स्टार्ट किया था, 6 बजे से लेकर रात के 8 बज चुके हैं, तो आप लोगों को पूरा व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया है, उम्मीद करती हूँ जितना भी था जैसा भी था अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जो भी कमी होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अच्छे से अच्छे थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छा वीडियो आप लोगों को बना के दिखा सकूँ, तो मुझे अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा और लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर करना। दिव्यांश हो गया बहुत बड़ा, अब हम लोग जा रहे हैं टीवी देखने के लिए, कूलर जा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।